साउथ की सारी ही रेसिपी हम सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है वो इडली हो या फिर डोसा या फिर टोमेटो राइस हम सभी उसे बहुत ही चाव से खाते हैं और बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं बच्चों को तो सारी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है तो देखिए कितनी अच्छी खिली खिली सी हमारी बर मछली बन के तैयार हुई है और ये सिवई हैं तो हेल्दी तो है ही आप बच्चों को आराम से इसे बिना किसी टेंशन के खिला सकते हैं आप इसे बच्चों के टिफ़िन में दें या फिर हस्बैंड के लंच बॉक्स में ये हर तरह से बहुत ही अच्छी रेसिपी है हेलो एवरीवन मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो और रेसिपी तो आप देखते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें तो चलिए बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ टमाटो बरमिछली की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम सिवई को भून लेंगे तो देखिए एक कढ़ाई रखी है मैंने गैस पे और उसमें बिल्कुल आधी चम्मच के करीब मैंने घी लिया है अगर आप रोस्टेड सेवैयाँ यूज़ कर रहे हैं तो फिर भूनने की कोई ज़रूरत नहीं लेकिन मेरी सवैयाँ जो है भुनी हुई नहीं है तो इसे हम भून लेंगे और इस तरह से बिना भुनी हुई जो सेवैयाँ होती हैं जब हम इसे भून के घर पर बनाते हैं तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है तो आप भी कोशिश करें कि इसी तरह से सेवैं को घर पर भून लें लेकिन अगर आप बेचलर हैं बाहर रहते हैं तो आप भुनी हुई सेवैयों का भी यूज़ कर सकते हैं तो देखिए मैं सेवैयों को हम बिल्कुल लो से मीडियम फ्लेम पे इसे भून लेंगे इसे भूनने में एक से डेढ़ मिनट या लगभग लग दो मिनट के करीब ही लगेंगे और बहुत ही आसानी से हमारी सेवैयाँ घर पर भून के तैयार हो जाएंगी लेकिन इसे हाई फ्लेम पर बिल्कुल ना भूने लो से मीडियम फ्लेम पर ही सेवैयों को हमें गुलाबी होने तक भून लेना है तो देखिए सेवैयों में हल्का हल्का सब कलर आने लगा है और इसे थोड़ा हम भूनेंगे जब तक ये अच्छी गुलाबी ना हो जाए हमारी सेवैयाँ देखिए बहुत अच्छे से ये गुलाबी हो गई हैं तो जब सेवैयाँ भून जाएँ तो इसे कढ़ाई से आप बाहर निकाल दें इसी में छोड़ देने पर सिवैयाँ नीचे से जल जाएंगी तो देखिए इसी कढ़ाई में हम आगे का प्रोसेस भी करेंगे तो इसीलिए मैंने कढ़ाई से सेवैं को निकाल लिया है तो देखिए सेवैय को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और सेम इसी कढ़ाई में आगे का प्रोसेस देखेंगे तो टोमेटो बर्मिसली बनाने के लिए मैंने कुछ एक तैयारियाँ की हैं तो देखिए छोट थोड़ा सा जीरा है आधी चम्मच के करीब एक चम्मच के करीब लहसुन है इसे मैंने कूट लिया था दो थोड़े बड़े साइज के प्याज थे उसे मैंने काट लिया है दो हरी मिर्च तीन सूखी हुई मिर्च ली है और तीन टमाटर बड़े साइज के टमाटर हैं उसे भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है गैस पे मैंने कढ़ाई ली है उसी में लिया है मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल बिल्कुल थोड़ा सा ही तेल लेंगे हम और जो जीरा मैंने दिखाई थी उसे मैंने यहाँ पे डाला है जीरा चटक गया है तो तीन जो सूखी मिर्च थी उसे मैंने यहाँ पर मिक्स किया है सूखी मिर्च का जो टेस्ट है इसमें बहुत अच्छा आता है थोड़ा सौंधापन आता है तो बहुत अच्छी लगती है तो देखिए जो प्याज मैंने दिखाए थे उसे मैंने हाथों से इसे थोड़ा सा क्रश करते हुए मलते हुए डाला है ताकि इसकी सारी प्रतीक भूल जाए और भूनने में आसानी हो और प्याज जल्दी से भून जाए इसीलिए इस तरह से मैंने मसल के डाला है अब प्याज को हम भून लेंगे इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है जब हल्का हल्का ये गुलाबी होने लगेगी पिंक हो जाएंगी तब तक ही हम प्याज को भूनेंगे तो देखिए प्याज को थोड़ा और भून लेते हैं प्याज देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से भून गई है इसी तरह से गुलाबी हमें भून लेना है तो जो एक चम्मच मैंने आपको लहसुन दिखाया था जो कूट के मैंने रखा था उसे मैंने यहाँ पे मिक्स कर दिया है अगर आप लोग को अदरक पसंद है तो आधी चम्मच के करीब आप अदरक का भी पेस्ट लें मेरे घर में कोई खाता नहीं अदरक इसीलिए मैंने यहाँ पर नहीं मिलाया है लेकिन आप अदरक खाते हो तो आप जरूर मिलाएँ तो देखिए जो तीन टमाटर थे तीन बड़े बड़े अच्छे टमाटर लाल लाल थे उसे, उसे मैंने यहाँ पे मिक्स किया है टमाटर का ही इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो इसीलिए टमाटर की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रहेगी तो तीन बड़े साइज़ के टमाटर थे उसे मैंने काट के रखा था उसे मैंने यहाँ पे मिक्स किया है साथ ही टमाटर जल्दी से हमारे सॉफ्ट हो जाए इसीलिए मैंने स्वाद के हिसाब से आधी चम्मच से थोड़ा ज़्यादा नमक मिलाया है नमक आपने स्वाद के हिसाब से डालें जितना आप लोग घर में पसंद किया जाता हो तो देखिए टमाटर को हम भून लेंगे जब तक कि ये थोड़ी सॉफ्ट ना हो जाए तो इसी तरह से इसे भूनते भी हमें थोड़ा सॉफ्ट कर लेना है तो देखिए टमाटर हमारी बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है तो यहीं पे हम मिलाएंगे कुछ मसाले तो एक चम्मच के करीब मैंने धनिया का पाउडर लिया है और एक छोटी चम्मच के करीब मिर्ची का पाउडर ये कश्मीरी मिर्च है इससे जो हमारी टमाटो बर मछली होगी उसमें कलर बहुत अच्छा आएगा तो देखिए थोड़ा सा ही ये घर गर के गरम मसाले हैं तो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ही गरम मसाला लिया है और बिल्कुल थोड़ा सा ही हमें हल्दी का पाउडर लेना है हल्दी मैंने इसलिए डाली है ताकि वो मिर्ची के कलर को इन्हेंस करे और हमारी बर मछली बिल्कुल देखने में अच्छी दिखे अच्छी दिखेगी इसीलिए मैंने हल्दी मिलाई है थोड़ी सी तो देखिए मसालों को हम डेढ़ से डेढ़ से दो मिनट लगभग भूनेंगे और हमारे मसाले बिल्कुल अच्छी तरह से भून जाएंगे मसाले बहुत अच्छे से भून गए हैं तो जिस कप से मैंने सेवई मापी थी उसी से ही हम दो कप के करीब यहाँ पे पानी मिलाएंगे एक कप सेवई के लिए दो कप पानी बिल्कुल सही रहता है इस मेजरमेंट से जो है सेवई बिल्कुल खिली खिली आपकी बनेगी तो आप एक कप सेवई के लिए दो कप पानी लें तो देखिए इसे हम मिक्स कर देते हैं अब इसमें जब हल्के हल्की सी बॉयल आने लगेगी तो जो हमने सेवई को फ्राई करके रखा था वहाँ यहाँ पर मिला देंगे देखिए इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और इसमें हल्का हल्का सा बॉयल आने लगा है तो जो सेवई थी उसे भी मैंने यहाँ पे मिला दिया है अब इसे मिक्स कर देते हैं और मिक्स करके इसे ढक के रखेंगे हाई फ्लेम पे हमें यहाँ पे पकाना है दो मिनट के लिए दो मिनट के बाद हम गैस की फ्लेम को लो करेंगे ढाई से तीन मिनट के लिए तो देखिए हाई फ्लेम पे हम इसे दो मिनट पका लेंगे दो मिनट हो गए हैं तो देखिए पानी थोड़ा सूख गया है और थोड़ी थोड़ी इसमें पानी है तो हम इसे ढाई मिनट से तीन मिनट के लिए इसे ढक के रखेंगे और बिल्कुल हमारी सेवई बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगी ये टमाटो बर मछले की रेसिपी बहुत ही अच्छी है बहुत ही झटपट से बन जाती है और खाने में तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका तो आप ट्राई जरूर करें इस रेसिपी को देखिए ये सेवई है तो जैसे जैसे ये ठंडी होगी उस वैसे वैसे ये खिली खिली सी हो जाएगी अभी गर्म है तो इसीलिए थोड़ी इस तरह से दिख रही है जैसे जैसे ये ठंडा होगा बिल्कुल खिली खिली सी हमारी सेवई बन के तैयार होगी तो देखिए जो दो हरी मिर्च थी उसे भी मैंने यहाँ पर मिक्स कर दिया है देखिए इस तरह से इसे फैला देंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल खिली खिली सी हो जाएगी पाँच मिनट के बाद मैंने आपको सर्व करके दिखाया है देखिए कितनी अच्छी खिली खिली सी बरम्छली बन तैयार हुई है आप इस टोमेटो बरमिछली की रेसिपी को जरूर ट्राई करें आप लोगों को भी ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी बच्चों के टिफ़िन के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है नाश्ते में बहुत ही जल्दी फटाफट से बन जाएगी और खाने में टेस्टी तो है ही और सूजी है तो आपको किसी तरह का टेंशन भी नहीं है बच्चों को आप आराम से खिला सकते हैं तो देखिए कितनी अच्छी खिली खिली सी बरम्छली बनी है बिल्कुल खिली खिली सी हमारी बर्मिछली बन के तैयार है ट्राई करें रेसिपी और को ट्राई करें और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें मैं मिलूँगी आपसे और एक अच्छी सी रेसिपी के लिए के साथ तब तक के लिए आप लोग रखें अपना ख्याल और मुझे दे इजाज़त बाय बाय